हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग ऑटोडेस्क रवि। और हमने डिफॉल्ट रेसिडेंशियल टेम्पलेट ओपन कर दिया है। अभी रेविट में जो फर्स्ट चीज है वो है लेवल्स, कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा और आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपकी बिल्डिंग कितने फ्लोर्स की है और पर्टिकुलर कौन से फ्लोर पे कितने लेवल्स है और पर्टिकुलर उसमें कितने टाइप्स है, लाइक सीलिंग, फिर फिनिशिंग लेवल, फिर रूफ लेवल, फिर फ्लोर लेवल, फिर स्लैब लेवल, लाइक दैट। सो व्हेनेवर यू विल बी स्टार्ट द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन द रेविट, आफ्टर चूज द प्रॉपर टेम्पलेट, आपको जो पहला चीज करना है वो है एलिवेशन में जाके लेवल को प्रेडिफाइन करना। सो यहाँ पर आप किसी भी एलिवेशन में जा सकते हो। सो क्योंकि लेवल जो है वो है वर्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिल्डिंग, एंड इफ यू आर इन प्लान व्यू सो यू कैन सी कि हम लेवल यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लेवल जो है वो बिल्डिंग की वर्टिकल इंफॉर्मेशन होती है कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, लाइक दैट। सो लेवल को यूज करने के लिए आइदर आपको एलिवेशन में जाना पड़ेगा या तो फिर आपको सेक्शन में जाना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं, हमारे पास चार डिफॉल्ट एलिवेशन है, तो यहाँ पर मैं किसी भी एलिवेशन में जा सकता हूँ। सो लेट्स से आई विल बी डबल क्लिक ऑन द साउथ एलिवेशन। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज नोटिफाई कर दूं कि हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो टोटल चार बिल्डिंग का कॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट है, कि जहां पर आपको टोटली फुल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट बेस आपको मिलने वाली है और हम चार बिल्डिंग को कंबाइन करने वाले हैं। सो हमारे जो लेवल्स होंगे वो भी बिल्डिंग के कंपोनेंट वाइज होंगे, सो बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग सी, बिल्डिंग डी, लाइक दैट। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो ये लेट से फर्स्ट फ्लोर जो है वो मेरा बिल्डिंग ए का है। सो ए स्पेस फर्स्ट फ्लोर और वो है 0 फीट 0 इंच। और जब भी आप नेम चेंज करोगे रेविट में तो इट विल बी आस्क फॉर द मैसेज, वुड यू लाइक टू रीनेम करस्पॉन्डिंग व्यू, आपको ऑलवेज यस पे क्लिक करना है, ताकि क्या होगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर लिखा है और यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर है, अगर आप उसको यस पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी वो रिनेम हो गया है ए डैश फर्स्ट फ्लोर, लाइक दैट। और हमें यही चाहिए कि लेवल में जो नेम है वही नेम हमें फ्लोर प्लान में और सीलिंग प्लान में भी चाहिए। सिमिलरली वो हमारा फर्स्ट फ्लोर है एट 0 फीट 0 इंच एलिवेशन। अभी जो नेक्स्ट है वो है फाउंडेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सभी जगह पे नेमिंग चेंज कर देता हूँ ए डैश फाउंडेशन और इसको मैं क्लिक करता हूँ यस। फिर यहाँ पर भी बेसमेंट में मैं जाके ए डैश बेसमेंट, यहाँ पर ए जो है वो हमारा बिल्डिंग ए है। फिर हमारा पास बिल्डिंग बी है तो उस टाइम में हम बी के थ्रू नोटिफिकेशन करेंगे, फिर सी और डी, लाइक दैट। ये प्रोसेस जो है वो प्रीडिफाइंड और स्टैंडर्ड प्रोसेस है। आप अगर मल्टी कॉम्बिनेशन ऑफ बिल्डिंग्स डिजाइन कर रहे हो तो उसको डिफरेंटली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो तो फिर आपको इस तरीके से नेमिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ एक ही बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो हम यहाँ पर सभी चीज कवर करेंगे। तो यहाँ पर बेसमेंट का जो मेरा एलिवेशन है वो है -1 फीट स्पेस 3 बाय 4 इंच। सो 0 स्पेस 3 0.75 इंचेस। सो ये मेरा फाउंडेशन का लेवल आ गया है। अभी नेक्स्ट जो है वो मेरा बेसमेंट है। सो बेसमेंट का मेरा एलिवेशन है -9 फीट 1.75 इंच। फिर जो नेक्स्ट है वो मेरा टॉप ऑफ फुटिंग है, उसका एलिवेशन है -9 फीट -9 देन स्पेस देन 5.25। तो -9 जो है वो आपका फुट कंसिडर करेगा, आफ्टर स्पेस इट विल बी कंसिडर एज अ इंच। तो यहां पर आप देख सकते हो, आप इस तरीके से भी टाइप कर सकते हो कि -9 स्पेस 5.25। अब ये जो एलिवेशन है
बॉटम ऑफ फुटिंग माइनस 10 फीट स्पेस 1.25 इंचीज। नेक्स्ट जो है वो है सेकंड फ्लोर, सो यहाँ पर आपको सेकंड फ्लोर भी शो कर रहा है, वो पॉजिटिव में है, मतलब उसका एलिवेशन अबाउट द ग्राउंड लेवल है, सो यहाँ पर 11 फीट 0.75 इंचीज। और जो नेक्स्ट है वो है रूफ लेवल, वो है 20 फीट 1.25 इंचीज। तो इस तरीके से हमने सभी लेवल्स को नेमिंग कर दिया है और सभी लेवल्स को प्रॉपरली एलिवेशन में एडजस्ट कर दिया है। अब ये जो वैल्यूज मैंने एंटर की है दैट मे बी वेरी, कि आप कोई किसी भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो वो प्रोजेक्ट वाइज ये वैल्यू वेरी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये फर्स्ट फ्लोर और फाउंडेशन, तो ये जो फाउंडेशन है वो वेरी नियर टू द फर्स्ट फ्लोर है, तो दोनों की टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा फाउंडेशन को और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है एड एल्बो, या तो फिर उसको आप ब्रेक आइकॉन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर मैं एड एल्बो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरा एलिवेशन वही है माइनस 1 फीट 0.75 इंचीज, लेकिन उसको मैं प्रॉपरली डिस्प्ले वाइज उसको ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। वैसे सिमिलरली यहाँ पर भी मैं ऑर्गेनाइज करूंगा, से सबसे पहले मैं बॉटम से स्टार्ट करता हूँ, उसको मैं लिटल बिट बॉटम में लेके जाता हूँ और फिर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर भी उसको क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं उसको प्रॉपरली अरेंज कर देता हूँ। सो इस तरीके से आप लेवल को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर आपको नया लेवल क्रिएट करना है तो आप सिंपली लेवल कमांड में जा सकते हो और स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट एंड स्पेसिफाई एंडिंग पॉइंट, दोनों पॉइंट आप डिफाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसको आप नेमिंग दे सकते हो और उसको आप एलिवेशन भी दे सकते हो। तो इस तरीके से आप लेवल को भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे लेवल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सो मैं सिंपली ये लेवल को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपली क्लिक ऑन ओके।